गया, आपका गेस्ट अभी भी बैठा ही हुआ है, ठीक है, खाना वगैरह खा नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, तो आप उसको जाकर बोल सकते हो, सर हियर इज योर चेक फॉर योर रेफरेंस, वी आर नॉट इन हरी। समझ गए? क्या बोलोगे? सर दिस इज योर चेक फॉर योर रेफरेंस, वी आर नॉट इन हरी। आपने उसको चेक भी दे दिया, आपने उसको बोल दिया कि हम लोग हरी में भी नहीं है। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर देखिए हम लोग बाद में कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे ये कमेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर जॉब एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो इसीलिए मैंने इसके एक सेपरेट वीडियो बना दिया, बिकॉज वो एक बड़ा पार्ट है। और अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को कि इसके बाद टेल मी अबाउट योरसेल्फ और जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, जो फर्स्ट उस पर पूछा जाता है आपका कि जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब हम बात करते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब एज अ FNB सुपरवाइजर और FNB एसोसिएट, तो ये वीडियो आप लोग के लिए कि आप लोग इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं अगर आप कहीं गल्फ के लिए या फिर इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, मेरी तरफ से सजेशन है कि आप जहां पर भी काम कर रहे हैं उसके रेस्टोरेंट का नाम, उसके होटल का नाम, वो होटल में कितने रूम्स हैं और आपके उस रेस्टोरेंट की टाइमिंग, वहां पर बुफे का प्राइस क्या है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके बुफे के प्राइस के साथ में उसका प्लस टैक्स विदाउट टैक्स कितना होता है, ठीक है, उसमें कौन सा क्यूजिन सर्व करते हो आप लोग, इफ यू आर वर्किंग इन अ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी टाइमिंग क्या है, इफ यू आर वर्किंग इन अ जापानीज रेस्टोरेंट तो आपको वहां पर 10 सुशी के नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, वहां का मेन्यू नॉलेज आपके बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये जो बेसिक्स है, ठीक है, जहां पर आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको पता तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। उसके अलावा नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसके आंसर्स कैसे देने हैं। देखिए, इफ यू आर वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड, आपको थोड़ी सी प्लास्टिक स्माइल रखनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, आपकी चाहे गर्लफ्रेंड धोखा देके चले गई या फिर आपका कुत्ता बीमार हो गया, ठीक है, व्हाटएवर हैपेंस, यू नीड टू पुट योर दैट जस्ट लिटिल बिट स्माइल, ओके, ठीक है। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू बी व्हिच काइंड ऑफ क्यूजिन You are specialized in, मतलब कि आपके रेस्टोरेंट में कौन सा क्यूजिन और या फिर, ठीक है, तो आप कौन से क्यूजिन में स्पेशलाइज्ड हो, मतलब इफ यू आर, देखिए यहां पर झूठ नहीं बोलना है, इफ अगर आप लोग मल्टी क्यूजिन में काम करते हो दैट यू कैन से आई एम वर्किंग इन अ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, और अगर आप लोग काम कर रहे हो किसी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में देन यू कैन से आई एम वर्किंग इन अ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इट्स अ जापानीज रेस्टोरेंट या फिर इट्स अ एशियन रेस्टोरेंट, इट्स अ और इस कोई भी यूरोपियन अगर क्यूजिन है तो आप वो बता सकते हो, या फिर गोवन क्यूजिन है या फिर कोई महाराष्ट्र क्यूजिन है, ठीक है। द वेरी सेकंड क्वेश्चन गोइंग टू बी व्हाट इज योर सर्विस सीक्वेंस, मतलब सर्विस सीक्वेंस मतलब कि आपके जब रेस्टोरेंट में गेस्ट आता है तो तब से लेके खाना खाने के बाद जाने तक आप क्या-क्या करते हो, सीक्वेंस में क्या-क्या करते हो, ठीक है, कैसे होना चाहिए वो आपसे पूछा जा रहा है। सो हाउ यू गोना आंसर इट, देन यू कैन से व्हेनेवर गेस्ट एंटर्स द रेस्टोरेंट आई एम रिस्पांसिबल फॉर ग्रीटिंग मीटिंग एंड सिटिंग, आई प्रेजेंट मेन्यू, आई सर्व वाटर, आई आस्क वाटर वेदर दे आर गोइंग टू टेक द रेगुलर वाटर, आरओ वाटर, और दे आर गोइंग टू टेक द स्टिल वाटर और any kind of water you are serving, okay, and after that I take the order, I ask them if they have any kind of allergens, I repeat the order, itna hi bologe wahan pro interview bolega bas ho gaya, matlab usko pata hai, theek hai, interviewer aap se itna time lena nahi chahta, usko agar ek yahan par click ho gaya na ki aapne ye iska answer us aapko pata hai to matlab wo aapse puchega nahi, then agar aap iska answer और वो नहीं चुप कराता है आपको, नहीं रोकता है, तो आप क्या करेंगे वहां पर, उसके बाद आई पंच द क्यूटी एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग गेस्ट फूड फ्रॉम द किचन एंड आई एम सर्विंग टू देम, आस्किंग फॉर रिपीट ऑर्डर एंड प्रेजेंटिंग बिल, टेकिंग पेमेंट फ्रॉम द गेस्ट, एंड बस इतना ही आपका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस ऑफ सीक्वेंस रहता है। एंड व्हाट इज बजिंग, ये क्वेश्चन आता है आपको अगर आप कुवैत वगैरह के लिए जाओगे, गल्फ के लिए जाओगे, तो यहां पर ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज बजिंग, प्री बजिंग और पोस्ट बजिंग क्या है। प्री बजिंग क्या होता है, जब आपके किसी एक रेस्टोरेंट में तीन लोग बैठे हैं चार के टेबल में, तो वहां पर एक प्री बजिंग करते हो, आप अपना एक कवर हटा देते हो, दैट इज कॉल्ड प्री बजिंग, ओके। एंड द सेकंड द पोस्ट बजिंग इज और आफ्टर बजिंग इज, जब गेस्ट खाना खा के चला जाता है तब एक साथ आप जब क्लियरेंस करते हो, दैट इज कॉल्ड After buzzing, उसके बाद आता है what is your payment mode, what kind of payment mode you know, right? कि अगर you can say we work with the cash, UPI payment and आप लोग बोल सकते हो credit or debit card, we don't accept checks, is it? Okay, उसके बाद आ सकता है आपका do you ask for check, do you ever ask for check,
मतलब कि कभी आप सामने से जाके चेक पूछते हो, नहीं, दैट इज नॉट अ मैनर, गुड मैनर। कभी भी आप किसी गेस्ट को खाना खा रहे हैं या फिर हमको पता नहीं कि क्या पता वो कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो हमको पता नहीं रहता है। सो वी शुड नेवर गो एंड आस्क द गेस्ट कि ये चेक हमको चाहिए, आपको क्या मैं चेक लेके आ जाऊं। आप हाँ, इसमें बहुत सारे रेयर केसेस हो सकते हैं, ये आपकी रेफरेंस से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि आप 11:30 हो गया, आपका गेस्ट अभी भी बैठा ही हुआ है, ठीक है, खाना वगैरह खा नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, तो आप उसको जाकर बोल सकते हो, सर हियर इज योर चेक फॉर योर रेफरेंस, वी आर नॉट इन हरी। समझ गए क्या बोलोगे? सर दिस इज योर चेक फॉर योर रेफरेंस, वी आर नॉट इन हरी। आपने उसको चेक भी दे दिया, आपने उसको बोल दिया कि हम लोग हरी में भी नहीं है। दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट द चेक, अगर इन केस अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो, अगर आता है तो, बट आपको ऐसा है। व्हाट इज द पॉसिबल कंप्लेंट यू फेस इन योर रेस्टोरेंट? यू नेवर से कि नो हमारे वहां तो कोई कंप्लेंट नहीं आती, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। नो, एवरी रेस्टोरेंट हैज अ कंप्लेंट। इफ दे डोंट हैव अ कंप्लेंट मतलब कि उनके रेस्टोरेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट? दे हैव प्रॉब्लम। सो इन एवरी रेस्टोरेंट दे हैव अ प्रॉब्लम, लाइक आप कॉमन प्रॉब्लम बता सकते हैं कि समटाइम्स द फूड गेट्स कोल्ड, और समटाइम्स यू नो आप बोल सकते हो कि वहाँ पर डिले हो जाता है, यू नो फूड गेट्स डिले और फूड गेट्स कोल्ड, और आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द हैवी क्राउड समटाइम्स इट गेट्स मिसमैनेज, बिकॉज वी हैव इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू द रेस्टोरेंट फॉर द ब्रेकफास्ट। ये आप कुछ कॉमन यू नो कंप्लेंट बता सकते हो, ये हमारे पास आती हैं, ठीक है, जिसमें कि आपने अब किसी रेस्टोरेंट की बदनामी भी नहीं की, अपने रेस्टोरेंट की बुराई भी नहीं की, और उसमें आपने बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं बताई। ये आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि हर रेस्टोरेंट में रहती हैं, खाना लेट होना, खाना ठंडा हो जाना, ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा का वो हो जाना। और अब ये दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, टाइप्स ऑफ चीज नेम, ठीक है, इसमें आप बता सकते हो ब्लू चीज, चेडार और गौडा, मोजरेला, पार्मेसान, ठीक है, ये आप चीज के नाम बता सकते हो। उसके बाद आता है 5 नैपकिन फोर्क, मैं आपके डिस्प्ले में लगा दूंगा। और इसके बाद आपके पास आते हैं दैट विल बी यू नो वाइन नेम, अगर आप एफएम सर्विस में जा रहे हो, अगर आप गल्फ वगैरह में जा रहे हो तो वहां पर आपसे वाइन के नेम नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आप एफएम सर्विस में इंडिया में जा रहे हो देन डेफिनेटली दे विल आस्क यू व्हाट, दे विल आस्क यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन, और किसी भी एक वाइन के बारे में पूछ लेंगे। तो इनके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वाइन कितने टाइप के वाइन होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही था, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत तो आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है विक्रम और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आपको अगर एक परफेक्ट सीवी चाहिए, आपको एक इंटरनेशनल लेवल की सीवी चाहिए, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।